जौनपुर में गैंगरेप की घटना का वीडियो वायरल हुआ था बीते रविवार को, जिसके बाद इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी अभी बाकी है जिनकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला होली के दिन का है, जिस वक्त एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया गया था और उसके बाद उसका वीडियो वायरल कर दिया गया, जिस पर वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला थाने में दर्ज हुआ, जिसके बाद महिला थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और उसकी पूछताछ के आधार पर 5 अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। जी, एक नाबालिग के साथ बलात्कार करके और उसका वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिसमें आज अर्जुन सहनी गिरफ्तार होकर आए हैं। आगे इसमें है कि इनको जेल भेजा जाएगा, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि ये तो समाज के विरुद्ध अपराध है और ऐसे अपराध के जो खुलेआम जो लोग घूम रहे हैं वो पकड़ा जाए और उनको जल्दी सजा नहीं हो तो इससे एक विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो इसके लिए हम लोग पूरा कोर्ट से भी कोशिश करेंगे और ये पॉक्सो का मामला है, पॉक्सो कोर्ट में स्पेशल ट्रायल चलाकर इनको सजा दिलवाने की पूरी कोशिश की जाएगी। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी कारा में कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया है कि लाज के भाव में कैदी की मौत हुई है। मृतक अब्दुल समी परसौनी गांव का रहने वाला था, जो एक लड़की के अपहरण के मामले में जेल में बंद था।